हेलो एवरीवन, अगर आप लोग किसी एक स्टेशन पर रुके हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस वक्त गोरखपुर में हूँ और मेरी जो अगली गाड़ी है वो 8 घंटे बाद है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कब तक स्टेशन पर बैठे रहेंगे? कब तक अपन चादर बिछा के नीचे लेटे रहेंगे प्लेटफॉर्म पर? क्या करेंगे 8 घंटे तक? तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपकी गाड़ी 8 घंटे, 6 घंटे या 4 घंटे बाद है तो आप लोग क्या कर सकते हो। मैं एक रूम दिखाऊँ आप लोगों को जो सस्ते में सस्ता मिलता है, एसी नॉन एसी सब मिलता है, जो कि होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, और ज़्यादा दूर आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा गोरखपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ पर, और ये है यहाँ से जो पटरी डिवाइड हो रही है, और यहाँ से आता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 शुरू हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये 1 के बीचों बीच है यहाँ पर रिटायरिंग रूम। यहाँ पर ये देखिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कैंपस देखिए, और कितना बड़ा कैंपस है। बिकॉज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर है वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप लोगों ने अंदर देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और वो लगभग 1300 मीटर लंबा है, यानी कि लगभग करीबन 1.5 किलोमीटर जितना लंबा है प्लेटफॉर्म। सो ये देखिए कैंपस कितनी साफ़ सफाई है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह है। ये रहा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ये मेन एंट्रेंस है। वैसे 4 एंट्रेंस है यहाँ पर, 4 एंट्रेंस 4 एग्ज़िट है यहाँ पे। चलिए आप लोगों को अंदर से भी दिखाता हूँ मैं, और पूरा रिटायरिंग रूम के बारे में जानकारी दूंगा। ये यहाँ पर एक डीजल इंजन लगा हुआ है शो के लिए, पुराना, जो कि अभी सिर्फ देखने के लिए काम आ सकता है। ये अंदर एंटर होती ऊपर पहले माले पर जाना है, ये यहाँ से रास्ता है। ये रहा इधर रिसेप्शन। सो ये है पूरा रिसेप्शन एरिया इतना, और यहाँ से अंदर जाना है अपने रूम के लिए। यहाँ से नीचे उतरोगे तो सीधा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। सो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 के बीचों बीच यहाँ पर रिटायरिंग रूम है। सो ये रहे रेट्स इसके, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, ये सारे रेट्स है। मैंने बुक किया है 12 घंटे के लिए, तो मैंने पे किया है, वो देख लो 12 के घंटे लाइन में क्या है। सो रिसेप्शन से ऐसा सीधा चलते जाना है। अभी अपना रूम नंबर है D1, तो यहाँ से देखते हैं कौन सा है अपना रूम। D11 ये इधर लग रहा है, जेंट्स 1, ये तो वॉशरूम है। तरीके का रिटायरिंग रूम है, यहाँ पर हर एक को एक एक कैबिन दिया है ऐसा। तो ये रहा मेरा D1 यहाँ पर है, D2 ऐसे, D3 D4, और वहाँ पर AC लगा हुआ है जिसकी ठंडक यहाँ पर पूरे कमरे में फैल रही है। तो कानपुर जैसा नहीं है कि यहाँ पर, कानपुर में कैसा था, एक बड़ा सा हॉल था और उसी में सारे लोग ऐसे ही खुले बेड पर थे, बट यहाँ पर सबको अपना कैबिन दिया है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाता हूँ। से यहाँ पर लेडीज़ लोग के लिए अलग से है डॉर्मेट्री, और यहाँ पर ये स्टेशन है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, और ये रहा हमारा 1 to 15 वाला जेंट्स डॉर्मेट्री। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 से 30 लोगों का सेम ऐसे ही है यहाँ पर भी। सो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का अपना रूम है। AC चल रहा है बाहर, यहाँ फैन है, और यहाँ पर एक चादर है, तकिया, टेबल, यहाँ पर मिरर मिल जाएगा, और ये बाजू वाले का रूम है। यहाँ पर कपड़े वगैरह लटकाने के लिए हैंगर है, इत्मीनान से यहाँ पे आराम करो। फैन चालू कर देता हूँ यार। हाँ, तो ये तो अपना रूम था, अभी आप लोगों को वॉशरूम दिखाते। ये इस तरीके का कॉमन वॉशरूम है, यहाँ पर नहाने के लिए, यहाँ पर शावर है, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों है, वॉशरूम भी, और टॉयलेट वगैरह के भी इंतज़ाम है, कमोट वगैरह है। ये यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह अच्छे से मेंटेन है, सामने मिरर है, यहाँ पर भी हैंड वॉश वगैरह है, और ऐसे लाइन से कई सारे यहाँ पर इंडियन, ये वेस्टर्न लिखा हुआ भी इधर, इंडियन
सो काफ़ी अच्छा है, वॉशरूम क्लीन है। सो यहाँ पर नहाया जाएगा, फ्रेश होता हूँ मैं नहा धो के और फिर उसके बाद सुकून से सो जाऊँगा। चलिए चलते हैं वापस अपने कमरे में। तो ये है गोरखपुर का बस स्टैंड, यहाँ पर रेलवे स्टेशन से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे, और यहाँ पर बस स्टैंड पे, यहाँ पर अलग अलग जगह पे जाने के लिए बस मिल जाएगी। बस शोर शराबा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बाकी दुकानें वगैरह खूब सारी मिल जाएगी खाने पीने की, होटल वगैरह मिल जाएगा। सामने जो झंडा दिख रहा होगा तो वहाँ पर है रेलवे स्टेशन, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सब खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ बस स्टैंड है, बस शोर शराबा ट्रैफिक बहुत है। ये देखिए खाना पीना, हेडफोन, घर ले जाने के लिए मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बिरयानी। लिट्टी चौका भी मैंने देखा यहाँ पे, बिहार का फेमस, जो कि मैंने ऑलरेडी छपरा में ट्राई कर लिया था। तो बिरयानी से लेके वेज, चिकन, फिश सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर खाने के लिए। मिठाई की दुकानें, ये फालूदा, बहुत कुछ है गोरखपुर में। यहाँ पर स्टेशन के बाहर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर आओ और खाओ पियो यहाँ का। अभी मैं भी यहीं पर ही खाना खाने जा रहा हूँ, खाना वगैरह खा के फिर चलूँगा वापस से अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने रिटायरिंग रूम पे, थोड़ा आराम करेंगे। वक्त हो रहा है दोपहर का 1 बज रहा है, 1 भी नहीं, कितना हो गया, 1:52 हो गया। क्या मिल जाएगा खाने में? चिकन चिकन बिरयानी 100 रुपये का, हाफ है 200, हाफ लेना चिकन, चिकन बिरयानी। मुरादाबादी में कैसी रहेगी? मुरादाबादी है चिकन में रहेगी वो, ले आओ वो यार, एक हाफ लगा दियो। ये है मुरादाबादी बिरयानी चिकन, 100 रुपये में। 100 रुपये में कितना ग्राम आ जाती है? 500 ग्राम। मुरादाबादी बिरयानी चिकन की है, हलाल है, और ये रही चटनी, दाल, यहाँ पर प्याज वगैरह दिया है। 100 रुपये की है 500 ग्राम। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। गरम मसाला, सॉफ्ट चावल, चलो फटाफट खत्म करते यार। ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ना बड़ा कैंपस है इसका, वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे गोरखपुर का। ये वहाँ से लेके वहाँ तक लंबा चौड़ा कैंपस है इसका। नहा धो के एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश हो गया अभी, अभी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर आराम करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेन है, वो ट्रेन पकड़ना भी है, तो उसके पहले थोड़ा सा अच्छे से आराम कर लेता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तिल्लेन आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।